हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम समझेंगे संख्याओं को, ठीक है ना। जैसे कि टाइटल है, आशुलिपि में संख्याओं का प्रयोग। तो आशुलिपि में संख्याओं का प्रयोग कैसे होता है उसको समझेंगे। पर इसमें एक छोटा सा छोटी सी बात एक और है, हम करेंगे 100 से शुरू। तो 100 से ऊपर वाली संख्याओं के बारे में समझेंगे। 100,000, 100,000, लाख, करोड़, अरब, और फिर प्रतिशत, सवा, डेढ़, ढाई, या फिर जो छोटा है। हम 1 से लेके 99 तक, 99 तक की संख्याओं को आशुलिपि में नहीं लिखेंगे। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि हम कर रहे हैं शॉर्ट हैंड। अगर हम 1 से लेकर 99 या 99 तक कहो, तो वह शॉर्टकट की जगह लॉन्ग हैंड हो जाएगा। शॉर्ट हैंड की जगह लॉन्ग हैंड। वो कैसे? क्योंकि हम जैसे कि 4 अगर शब्द में लिखें तो 4, और शॉर्ट एंड में लिखे तो 4, 4, है ना, और 4। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, इन संख्याओं को ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना हम इनको बहुत जल्दी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग इनके, ठीक है ना। तो हमारा काम है जो चीज़ है शॉर्ट को शॉर्ट करना, ना कि हमको लॉन्ग करना। जो शॉर्ट है उसको लॉन्ग करना, ठीक है ना। तो हम जैसे कि 400 लिखेंगे, 100 के लिए हम करेंगे जैसे कि सह शब्द, और हम जैसे कि 400 लिखते हो गया ना, ये हो गया शॉर्ट। तो हमको शॉर्ट बनाना, जैसे 1,000 के लिए हम है कोश किसी भी है का प्रयोग कर सकते हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले किसी भी है का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि 4,000। अब हम 4,000 कौन सा ही जी होता हो रहा है ना शॉर्ट। तो जैसे कि हम 100,000, तो हम इसमें छ और है, ये सह और ये है, जैसे शब्द में लिखा सह प्लस है। तो अब हम यहाँ जैसे 400,000, तो 400 है ना। और फिर जैसे कि लाख के लिए, तो हम ले, यार लाख, 4 लाख टाइम लगेगा ना इनमें। तो इसलिए जैसे कि अब हम करोड़ के लिए करेंगे, तो करोड़ के लिए हम जैसे कि शब्द में है क और र, तो क में र का हुक दे देंगे, और इसको हम इनके तो साथ में लिखते आए हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4, और इसके नीचे ये हो गया 4 करोड़। अब है जैसे कि अरब और रुपया, तो शब्द है रे, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है ना। तो अब हमको इस बात का ध्यान रखना है, अरब के लिए नीचे वाले रे का प्रयोग होगा, और रुपये के लिए ऊपर वाले रे का प्रयोग होगा। आपको पता है ना रे दो तरीके से बनते हैं, तो जैसे कि ये अरब के लिए, और ये वाला रे रुपये के लिए, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये 4
अरब, है ना? तो ये 4 अरब। और फिर रुपये, जैसे कि 4 रुपये, तो हम इसको लिखेंगे जैसे कि 4, जैसे ये इसके नीचे बनाया, हम यहाँ से करेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे 4 रुपये, ठीक है ना? 4 रुपये, ठीक है। अब अगला है प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए हम ये बनाएंगे शब्द, जी इनके कोई शब्द नहीं, क्योंकि ये पै में रे का हुक भी है और सत का लूप भी है ना? तो इसलिए हम बनाएंगे इसको, ऐसे लिखेंगे 4% है ना? और हिंदी में ऐसे लिखें 4% और प्रतिशत का एक निशान ये भी है, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? पर ये संख्या में हो जाएगा, हमको शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है? और इसको हम ऐसे लाइन से काट कर, ठीक है, इसके साथ में लिखना हमको, नहीं तो अगर आप इसको अलग लिख देंगे तो आप इसको अलग से पढ़ोगे फिर, जैसे प्रति, तो इसमें अब ऐसे 4% तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4%, ठीक है। सेकेंड अब अगला है फीसदी, तो फीसदी की जो आउटलाइन है वैसे ही बनेगी, है ना? तो फीसदी हम ऐसे लिखेंगे 4% शब्दों में 4, वैसे वहां लिखा हुआ फिर भी अलग से फीसदी, हम 4 का कोई लेने का कोई जरूरी नहीं कि 4 ही आए, ये तो एक उदाहरण के तौर पर हमने 4 संख्या ली है, आप कुछ भी आ सकता, 5 आ सकता, 2, 9, जो भी, और आपकी जो डिक्टेशन में आएगा बोलने वाले पर निर्भर है कि क्या संख्या बोल रहा है। जैसे कि अब आ गया सवा, तो हम सवा को जैसे शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, अब इनको वैसे ही लिखेंगे सवा 4 सवा, तो अब हम ये नहीं लिख सकते ना 4 सवा, तो सवा किसके साथ लगता है, किस शब्द के साथ है? जैसे हम बोलते हैं पानी वानी, है ना, रोटी ऊटी, तो सवा के साथ हम, जैसे बोलने में आता सवा साल,
है ना। तो सवा साल हम लिखेंगे इस सवा और ये साल, कुछ शब्द ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और ये नहीं कि उनका अकेले में यूज नहीं किया जा सकता, अकेले में भी यूज किया सकता, पर कमी जगह देखे जाते हैं कि वे अकेले आते हैं। जैसे कि नाम, अपना नाम ले लो, आप अपने नाम को यूज कर सकते हैं, पर आपके सरनेम के बिना आपका नाम अधूरा सा लगता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे करते हैं। अब जैसे कि डेड, ये रे इसको काट दे, डे के लिए प्रयोग होगा, ये मैं करा चुका हूँ। जैसे कि डेड, हम जैसे 250 है ना, तो हम करते हैं 150, तो 150 को हम ये डेड, ये 100, डेड 100 है ना। अब है 250, तो हम 250 को कैसे लिखेंगे, ये भी रह है काटने पर डे, और जैसे यहाँ पर हमने दो रह का प्रयोग किया है, वैसे हम यहाँ पर दो डे का प्रयोग करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये ऊपर, ये नीचे वाला, तो अब 250, तो हम 250, बड़े बूढ़ों के मुँह से सुना होगा 250 रुपया, है ना। तो ये 250 और ये रुपये से काट दिया, जैसे हमने इसको 100 से काटा। अब ये दो शब्द रह गए, साढ़े और पौने। साढ़े का ये चिन्ह है और पौने का ये न, और हम साढ़े का प्रयोग कहाँ करते हैं और पौने का। साढ़े टाइम कितने का हो गया बताना जरा, अरे 10:30 हो गए, 9:30 हो गए, 11:30 हो गए, है ना। तो हम यहाँ संख्या लिखेंगे, जैसे कि 10 और इसके साथ में ये चिन्ह लगा देंगे, और जैसे कि पौने इसी में है, 10:30, और ऐसे ही पौने कितने बजे आया था, 9:45, 8:15, 10:00, 11:30, यहाँ हम ऐसे 9 का प्रयोग करते हैं, 4:15, 9, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और फिर भी आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, और इस ट्रैफिक को अवॉइड कर देना, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, बाय बाय। फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।